सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। सो दोस्तों, आज है हमारा day 3 केदारनाथ टेंपल पर और आप देख सकते हो आज बहुत अच्छी सी धूप निकली है, बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं लोग और बहुत ठंडी भी थी तो ठंडी भी बहुत अच्छी अब नहीं लग रही है इतनी, बट जो व्यू है वो लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। जितने भी जो ग्लेशियर हैं वो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगे मेरे बैक साइड में, आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये बेसिकली वीडियो इसलिए बनाई जा रही है बिकॉज आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हमारा अपना पर्सनल कैंप है तो हम उसको कहाँ पर स्विच कर सकते हैं, कहाँ पर लगा सकते हैं, क्या हमको कोई उसके लिए चार्ज तो पे नहीं करना पड़ता। तो सभी मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपके पर्सनल कैंप से रिलेटेड, और आप देखना आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। बाकी आप देखिए बाबा केदार के आप दर्शन करिए, अभी सभी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और दोस्तों, अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई यहाँ पर चेकिंग वगैरह नहीं हुई है, कोई स्लॉट सिस्टम मुझको देखने में नज़र नहीं आया है, सबके सब बस लाइन में लग रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। देखते हैं शायद इन फ्यूचर भी इसी तरह से फॉलो किया जाएगा प्रीवियस ईयर की तरह, या फिर कोई न्यू सिस्टम टोकन सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको आज कैंप की पूरी डिटेल दे देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं बात करूँ आपके पर्सनल कैंप लगाने की तो केदारनाथ में वैसे कोई मना नहीं करता है अपना पर्सनल कैंप लगाने के लिए। जैसे मैं अगर बात करूँ तो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो ये केदारनाथ जी का बैक एरिया है, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा, देखिए यहाँ पर एक स्पॉट है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप इजीली अपना कैंप वगैरह लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर कैंप लगाने के कोई चार्जेस वगैरह नहीं हैं, बस आप में सर्वाइव करने का दम होना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जैसा आप देख सकते हो बैक साइड में है ग्लेशियर और ग्लेशियर के साथ में रात में हवाएँ चलती हैं, यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, कल भी हुआ था, बिकॉज आज है केदारनाथ का पार्ट जिस दिन खुले हैं उसका day 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ने यहाँ पर अपने पर्सनल कैंप लगाए हुए हैं। और आप पूछते हो कि चार्जेस वगैरह नहीं है, तो मैं आपको खुद यहाँ जिन्होंने कैंप लगाया था उनसे ही पूछवा देता हूँ, क्या भैया आपने यहाँ पर जो पर्सनल कैंप लगाया था कोई चार्ज वगैरह पे किया था? नहीं नहीं, आप इजीली लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हो मतलब इजीली यहाँ पर आप अपना कैंप लगा सकते हो, बट सबसे यह मेन बात है यहाँ पे सर्वाइव करना। आपको ठंड लगी होगी ना? हाँ, सर्दी रहती है, बाकी हम सारे इक्विपमेंट लेके आए थे। हाँ, अगर आपके पास स्लीपिंग बैग वगैरह है, मैट्रेस है और अच्छा आपके पास वाटरप्रूफ कैंप है तो आप इजीली यहाँ पर अपना कैंप स्विच कर सकते हो, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट मंदिर के पीछे। हाँ, सबसे मेन बात की आपको यहाँ से व्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा, भीमशिला के आप दर्शन कर सकते हो, बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो, मतलब ये सब लोग उठते ही डायरेक्ट सीधा बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो मतलब ये तो यार बहुत बढ़िया बात है, उठो और बाबा केदार के दर्शन करो अर्ली मॉर्निंग। और देखिए मतलब कितने सारे यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ बाबा लोगों ने भी लगाए हुए हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ सभी लोगों ने अपने पर्सनल कैंप लगाए हुए हैं, ये देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको कैंपिंग टेंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रेंट पर कोई कैंप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, जिसका जो रेट रहता है वो रहता है 1000 rupees पर पर्सन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इजीली यहाँ पर आपको पर्सनल कैंप भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपना कैंप लगाइए और बाबा केदार के दर्शन करिए, भीमशिला आइए और वहाँ पर आप लाइन लगा के बाबा केदार के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसा आप देख रहे हो। दोस्तों, ये जो स्पॉट है आपकी कैंपिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है, बिकॉज यहाँ से आप बाबा केदार के दर्शन भी पास में ही कर सकते हो, भीमशिला देख सकते हो और शंकराचार्य जी की मूर्ति के भी दर्शन कर सकते हो, ग्लेशियर देख सकते हो, यहाँ से देखिए आपको ग्लेशियर नज़र आ जाएंगे और ये जो ट्रैक जा रहा है ये सिंपली जा रहा है शंकराचार्य जी की मूर्ति पर, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। और बाकी आप वहाँ पर भी कैंप लगा सकते हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर कैंप लगाने के लिए, और बहुत अच्छा स्पॉट है मैं सच बता रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर आपको अपना कैंपिंग टेंट लगाना है तो इक्विपमेंट आपके पास सारे होने चाहिए, लाइक स्लीपिंग बैग, मैट्रेस और जो भी इसेंशियल आइटम होती है कैंपिंग के लिए वो आपके साथ ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है।
फैन लिया। अरे नहीं भाई भाई आप भी फर्स्ट डे आए? हाँ हम डोली के साथ ही आए थे। अच्छा आप डोली के साथ आए? और देखो कुछ भाई हैं यूट्यूब के फैमिली वाले मिल चुके हैं, बहुत मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, काम को पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री केदार। यहाँ पर भी कैंपिंग टेंट्स लगाए हुए हैं, आप लोगों ने लगाया भैया कैंपिंग टेंट्स? कोई चार्ज तो आपको नहीं देना पड़ा ना? ये अपना खुद अरेंज कर लाए हम। और सारे इक्विपमेंट थे आपके पास? ये प्लेस कैसा लगा आपको कैंपिंग के लिए? कैंपिंग के लिए हम थर्ड तीसरी बार आ रहे हैं इस पे। यहीं पे लगाते हो? अच्छा वैसे कोई इशू तो नहीं है ना ठंड वगैरह का? नहीं ठंड का इशू तो आपको था। अच्छा टाइम पास कर, बाकी महादेव बैठे हैं, बस महादेव बैठे हैं बच्चों पे कृपा करने का। दोस्तों आप देख सकते हो कोई चार्ज नहीं पे करना, इजीली आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, बाबा केदार के दर्शन करिए, बिल्कुल बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर है बाबा केदार, और देखिए व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अपना पर्सनल कैंप कहाँ लगाना है ये डिटेल्स तो दे दी, लोकेशन भी दिखा दी, बट फ्रेश कहाँ होना है, वॉशरूम कहाँ है ये तो बताओ। सो दोस्तों फ्रेश होने के लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए कॉमन टॉयलेट्स एंड बाथरूम ही यूज करने होंगे, जो आपको इजीली टेंपल के आसपास मिल जाएंगे। अदरवाइज आप वहाँ के होटल वालों से बात करके कुछ चार्जेस पे करके उनका वॉशरूम भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा कोई और कैंपिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग सफिशियंट प्लेस नहीं है, बिकॉज यहाँ आपको कैंपिंग के लिए एक सेपरेट स्पॉट मिल रहा है, साथ ही आपको और भी लोग कैंपिंग करते हुए मिल जाएंगे तो साथ भी बना रहेगा। और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग उठकर आप बाबा केदार के दर्शन भी इजीली कर सकते हो। सो आई होप कैंपिंग नियर केदारनाथ टेम्पल से रिलेटेड आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक ग्रुप 20 मई को केदारनाथ प्लस टुंगनाथ के लिए निकलने वाला है, जिसमें हम खुद भी आपके साथ जाने वाले हैं। तो 15 मई तक आप अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हो और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो आप इसको ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो हम मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हर हर महादेव, जय श्री केदार।